देखो, हमने देखा रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, जिसमें हम क्या बता रहे थे कि रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर क्या है, तो एक प्रोसेस है, ठीक है, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, किसी वेक्टर को एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के अलोंग क्या करते हैं, उसको रिजॉल्व करते हैं, ठीक है। अब सपोज करो ये कोई वेक्टर है, ठीक है, ये वेक्टर ए वेक्टर है, और इस ए वेक्टर को हम क्या कर रहे हैं, एक्स एक्सिस के अलोंग और वाई एक्सिस के अलोंग हम क्या कर रहे हैं, इसको ब्रेक कर रहे हैं, तोड़ रहे हैं। तो अभी मैं बताया कि जब ये जिधर के तरफ से ठिट्टा होगा, जिधर इसका ठिट्टा होगा, उधर वाले एक्सिस पर ये क्या आएगा, उधर एक्सिस पर ये आपको क्या देगा, तो आप बताओगे कि इस वेक्टर के साइन कॉस के साथ आ जाएगा, तो ए कॉस ठिट्टा हो जाएगा, होगा ना। अभी ने बताया कि जिधर के तरफ ठिट्टा रहेगा उधर साइड में ये कॉस का एंगल आ जाएगा, और इसके ऑपोजिट राइट एंगल पर, ध्यान देना, इसके ऑपोजिट राइट एंगल पर क्या आ जाएगा, साइन थीटा आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, ए साइन थीटा, बोलो कोई दिक्कत नहीं। अब ये भी जानते हो कि जो क्या है, इन यूनिट वेक्टर जो है, एक्स एक्सिस के अलोंग हम आई बताए थे, और वाई एक्सिस के अलोंग क्या बताते हैं, जे होता है, और जेड एक्सिस रहता, ठीक है, ठीक है, थ्री डी में अगर हम लोग पढ़ते या हम लोग देखेंगे, अगर थ्री डी में रहता तो जेड एक्सिस भी इन्वॉल्व होता, और जेड एक्सिस के अलोंग क्या होता है, यूनिट वेक्टर के होता है, क्या होता है, के कैप होता है। इतनी बात आप जान लो। अब देखो ये ए वेक्टर एक्स एक्सिस के अलोंग तोड़ रहे हैं, तो क्या हो सकता है, ए एक्स लिख दे, कोई दिक्कत कतई ही नहीं, क्या होगा, ए एक्स हो जाएगा, और यही ए वेक्टर वाई एक्सिस के अलोंग टूटेगा तो क्या होगा, ए वाई वेक्टर, ठीक है, क्या होगा, ए वाई हो जाएगा, ठीक है। अब देखो, अब हम क्या करेंगे, उसको कैसे प्रूफ करेंगे, कैसे इसको निकालेंगे, तो आप देखो, अब मान लो, सपोज कर लो, कंसीडर कर लेंगे क्या कि ओ आर क्या है, ओ आर कोई ए वेक्टर है, ठीक है, ए वेक्टर जो है ओ आर है, अब ये तोड़ रहे हैं, रिजॉल्व कर रहे हैं किसके अलोंग, तो एक्स एक्सिस के अलोंग ओपी, और ओपी बराबर क्या लिख दोगे, ए एक्स वेक्टर, और किसके वाई एक्सिस के अलोंग क्या लिखोगे, ओ क्यू, और वो कितना होगा, ए वाई वेक्टर होगा, होगा ना। अब देखो, जैसे ही आप ये चीजें क्या कर दिए, ब्रेक कर दिए, तोड़ दिए, रिजॉल्व कर दिए, और साथ में ही हम ये भी जानते हैं कि वेक्टर को क्या कर सकते हैं, कहीं भी पैरेलली शिफ्ट कर सकते हैं। अब इसी ओपी वेक्टर को पैरेलली क्या लेकर चले गए, ऊपर की तरफ लेकर चले गए, और इस ओक्यू जो वेक्टर है, इसको पैरेलली कहां पर शिफ्ट कर दिए, यहां पर। तो जैसे ही आप पैरेलली शिफ्ट करेंगे तो आपको क्या दिखाई देगा, ट्रायंगल रूल, वेक्टर एडिशन का ट्रायंगल रूल दिखाई दे, कैसे, तो ओपी ओपी अब यहां पर हेड, और ओ आर का यहां पर टेल, एक रेगुलर क्या है, एक रेगुलर अरेंजमेंट है कि नहीं, और इसके अपोजिट में, इसके अपोजिट में ये ए वेक्टर है, यानी कह सकते हो कि ये ट्रायंगल रूल फॉलो कर रहा है वेक्टर एडिशन का। अब जब ये कर रहा है तो हम क्या लिख सकते हैं, फ्रॉम ट्रायंगल रूल से या लॉ से लिख सकते हैं, या रूल भी लगा दो, आप क्या लिख सकते हो कि ओ आर वैक्टर, रिजल्टेंट वैक्टर, ओ आर मतलब रिजल्टेंट वैक्टर बराबर क्या होता है, इन दोनों वैक्टर का क्या सम होता है, यानी ओपी वैक्टर प्लस ओक्यू वैक्टर। अब ये ओ आर बराबर कितना है जी, ए वैक्टर ना, ओ आर बराबर ए वैक्टर, और ओपी बराबर कितना है, ए एक्स, एक्स एक्सिस के अलोंग ना, तो ए एक्स वैक्टर, और प्लस वाई एक्सिस के अलोंग क्या होगा, ए वाई वैक्टर। हम इसको मान लें कि इक्वेशन नंबर वन है। अब देखो, यूनिट वैक्टर एलोंग एक्स एक्सिस, यानी ये जो x एक्सिस है, इस x एक्सिस के अलोंग जब हम यूनिट वेक्टर लिखेंगे तो क्या लिखोगे, ए एक्स बराबर क्या होता है, ए एक्स आई लिख सकते हैं, कैसे, तो ध्यान दो, यूनिट वेक्टर जब हम पढ़ा रहे थे तो उस समय क्या बताए थे कि यूनिट वेक्टर बराबर क्या होता है, दोज वेक्टर और डिवाइडेड बाय क्या, मोड ऑफ दिस वेक्टर, ओके ना, यानी जो वेक्टर रहेगा उसी वेक्टर का मोड से हम डिवाइड क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, तो हमारा क्या निकल जाएगा, उस एक्सिस के अलोंग हमारा यूनिट वेक्टर निकल जाएगा। हम किस एक्सिस की बात कर रहे हैं, एक्स एक्सिस के ना, इसलिए हम कौन सा रखेंगे, एक्स रखेंगे, तो एक्स एक्स वो वेक्टर डिवाइडेड बाय मोड लिखो चाहे ना लिखो, क्योंकि यहां पर हम वेक्टर का साइन नहीं दिए हैं, इसका मतलब क्या है, ये मोड है, क्या है, मोड है, यानी आपका ये मैग्नीट्यूड है, क्या है, मैग्नीट्यूड है, बोलो कोई कंफ्यूजन नहीं। तो क्या लिख सकते हो, आई वेक्टर बराबर आई कैप बराबर क्या होगा, आई कैप बराबर ए एक्स वेक्टर डिवाइडेड बाय मोड ऑफ ए एक्स वैक्टर। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दोगे तो आई वैक्टर इंटू ए एक्स वैक्टर हो जाएगा, और ये क्या हो जाए, ए एक्स वैक्टर, ठीक है, वही चीज को हमने यहां पर लिख दिया।
ए एक्स वेक्टर बराबर क्या हो जाएगा, ए एक्स आई कैप। ये किसके अलोंग यूनिट वेक्टर आप लिख रहे हैं, ओ एक्स एक्सिस के अलोंग, किसके ओ एक्स यानी एक्स एक्सिस के अलोंग आप लिख रहे हैं। उसी तरह से यूनिट वेक्टर हमको कहां लिखना है, वाई एक्सिस के अलोंग, तो वाई एक्सिस के अलोंग सेम प्रोसीजर करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए वाई इक्वल टू ए वाई जे कैप, कोई दिक्कत नहीं। अब हम देखते हैं इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन वन वन में हम क्या करेंगे, इस वैल्यू को पुट कर देते हैं, ए एक्स और ए वाई के वैल्यू को पुट कर दोगे तो क्या मिल जाएगा, ए एक्स आई यूनिट वेक्टर के अकॉर्डिंग आ जाएगा ना, और ए वाई जे। फिर ये भी हम जानते हैं कि एंगल पी ओ आर, एंगल पी ओ आर बराबर कितना दे रखा है, थीटा वैल्यू दे रखा है ना जी, थीटा वैल्यू दे रखा है। अब हम निकाल लेते हैं OP, OP को क्या लिख सकते हो, AX लिख सकते हैं, तो OP बराबर AX, और AY बराबर क्या लिख सकते हो, AY बराबर क्या लिख सकते हो, OQ, या आप PR भी लिख सकते हैं, क्या PR भी लिख सकते हैं। ट्रायंगल, अब देखो इस ट्रायंगल की बात कर रहा है, इस ट्रायंगल में बात करोगे कि ट्रायंगल OPR, क्या ट्रायंगल OPR बराबर क्या लिख सकते हो, cos थीटा OP डिवाइडेड बाई OR, ठीक है, OP डिवाइडेड बाई, और OR नहीं लिख सकते हो, अरे इस थीटा एंगल के अकॉर्डिंग हमको लिखना है, तो ये क्या होगा बेस, और ये क्या हो गया परपेंडिकुलर, तो बेस बटा में परपेंडिकुलर क्या दे देगा आपका, cos थीटा दे देगा ना, तो ये आपका क्या हो जाएगा OP, OP कितना है AX है लिख दिए, OR कितना है A होगा, मैग्नीट्यूड की हम बात कर रहे हैं, डायरेक्शन एकदम नहीं बात कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा AX बराबर लिख सकते हो A cos थीटा, उसी तरह से sin थीटा भी आप लिख सकते हो ना, sin थीटा बराबर इस थीटा के अकॉर्डिंग, sin थीटा बराबर परपेंडिकुलर बटा में हाइपोटेनस आप लिख सकते हो PR बटा में OR, PR कितना दे रखा है AY, और ये OR कितना है A, यानी AY बराबर क्या लिख सकते हो A sin थीटा। अब इसको पुट कर दो उसमें वैल्यू, तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर बराबर क्या हो सकता है ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर, ये आप इसको याद कर लेंगे, ये आपके न्यूमेरिकल के लिए इंपॉर्टेंट है। और जब हम थीटा निकालना होगा तो टाइन थीटा बराबर क्या लिख सकते हो पी आर बटा में ओपी, और पी आर का वैल्यू क्या है ए वाई डिवाइडेड बाई ए एक्स। बोलो इसमें किसी कोई कंफ्यूजन नहीं है, आप तो क्लियर हो गया होगा ना, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर क्या होता है, किस तरह से हम रिजोल्व करते हैं, ये आप चीजें आप समझ गए, घरे जाके इसका नोट शोट्स बनाता है सब केजे से काम चल जाता है, हाँ बनाओ सब, बिना बनाए हुए कुछ काम नहीं देगा, ये मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूँ, डरवा नहीं रहा हूँ, बस इंटेंशन इतना है कि इस बार आप तो नहीं अच्छा कर जाए। ये पता चल गया, पता चल रहा है ना, ये दीवाल ये बोर्ड वाला है, ये दीवाल तू लोग के फ्रंट साइड में है, ये दीवाल उधर का है और ये दीवाल इधर का है, ठीक है। अब हमको क्या करना है, इस कॉर्नर को पकड़ के इस कॉर्नर पर आना है, यानी उस कॉर्नर को पकड़ के हमको वहां तक पहुंचना है ना, हमको यही मेरा ये क्या है आपका, वो आपका रिजल्टेंट वेक्टर है। अब इस रिजल्टेंट वेक्टर को वहां से वहां तक पहुंचने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इसके नीचे वाला निकालना पड़ेगा, तो नीचे वाला कैसे निकालोगे, तो नीचे वाला निकालने के लिए ये वाला और ये वाला इन्वॉल्व करोगे, तो ये आपको निकल जाएगा ना, ये वाला और ये वाला करोगे तो ये वाला निकल जाएगा कि नहीं निकलेगा। अब इसको इन्वॉल्व कर लो और ये वाला निकाल दोगे तो ये भी ट्रायंगल एक बन जा रहा है, देखो एक ट्रायंगल बन रहा है कि नहीं बन रहा है, ऐसा समझे, इमेजिनेशन हुआ कि नहीं, ये वाला आपका रिजल्टेंट वेक्टर है, वहां तक पहुंचने के लिए सबसे पहले हमको नीचे से आना पड़ेगा, फिर इसके परपेंडिकुलर होना पड़ेगा, और वो जो स्लोप टाइप का बनेगा वो आपका रिजल्टेंट वेक्टर होगा। अब क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, अब इसी बात को यहां पर ये कह रहा है, तो कैसे करोगे, इसी बात को आपको यहां करना है, तो आप लिख सकते हो कि ओ आर वेक्टर बराबर ओ टी वेक्टर प्लस टी आर वेक्टर, कोई कंफ्यूजन है तो बोलो, ट्रायंगल सॉल्व से हो जाएगा ना, ट्रायंगल्स रूल या ट्रायंगल्स लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ठीक है, ओ आर बराबर ओ टी प्लस टी आर। अब एक चीज आ दो, पैरेललोग्राम से क्या कर सकते हो, पैरेललोग्राम लॉ क्या लिख सकते हो, ओ टी वेक्टर बराबर आपका क्या हो जाएगा ओ एस वैक्टर प्लस ओपी वैक्टर लिख सकते हैं, अरे पैरेललोग्राम हो गया ना, पैरेललोग्राम से
आप क्या लिख सकते हैं कि OT बराबर, ठीक है, OT बराबर क्या लिख सकते हो, सब मिल जाता है, ठीक है, लेकिन ये सबसे ज्यादा कॉमन है, ऑब्जेक्टिव में आपके पूछे यही जाते हैं। क्या दे रखा है, हमने कहा इसको कंसीडर कर लिए, ये आप देखोगे, क्या देखोगे, कंसीडर कर लिए कि ये आपका जो है ए वेक्टर है, ठीक है, ये आपका रिजल्टेंट वेक्टर है। 2D में क्या कर रहे थे आप, 2D में क्या कर रहे थे, 2D में कुछ इस तरह था ना कि ये सर ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है, तो ये आपका रिजल्टेंट मिल जा रहा था, आसान था, ए वेक्टर को बी वेक्टर के साथ जोड़ देते थे, यहां से फिर आप क्या निकाल लेते थे, यहां से ठिट्टा निकाल लेते थे, ये भी आपके लिए सीधा। लेकिन ये 3D है, तो 3D में आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको डायगोनल आपका क्या देगा, रिजल्टेंट देगा, और डायगोनल रिजल्टेंट कब देगा, तो जब डायगोनल को हम क्या करेंगे, उसको हम लोग ब्रेक डाउन कैसे करेंगे, तो एक्स एक्सिस को पहले, एक्स एक्सिस को और वाई एक्सिस को, यानी एक्स एक्सिस ये वाई एक्सिस है ना, इसका हम क्या निकालेंगे, इसका हम कैसे आपको राइट एंगल से इसके जो आपका डायगोनल होगा वो हमारा क्या बनेगा, एक नीचे वाला बनेगा, ये दोनों का नीचे वाला एक वेक्टर आएगा, रिजल्टेंट वेक्टर आएगा ना, जैसे मैं कैसे वहां तोड़ रहा था, वेक्टर जो कंटिन्यूअस जा रहे थे, तो मैं ए वेक्टर बी वेक्टर को क्या कर रहा था, आपको रिजल्टेंट वेक्टर कन्वर्ट कर रहा था, फिर वो दूसरे के लिए रिजल्टेंट वेक्टर और ये तीसरे के लिए बनते जा रहा कि नहीं था, पॉलीगन्स में हम बताए थे कि नहीं, सेम हम पहले इसको करके एक रिजल्टेंट वेक्टर निकाल देंगे। अब ये जो रिजल्टेंट वेक्टर ये वाला आया और ये वेक्टर, ठीक है, ये रिजल्टेंट वेक्टर प्लस ये वेक्टर आपका, इसका जो डायगोनल आएगा वो आपका रिजल्टेंट वेक्टर, ये वेक्टर है,